हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आज जो है साइंस, जीए और आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स, सभी मिक्स होंगे एक ही क्लास में। साइंस भी होगी इसी में। तो ये क्लास जो है पेट और टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सुपर टेट हो गया आपका, और आपका यूपी टेट हो गया, आपका सी टेट हो गया, ठीक है। इन सब के जो है ये इन दोनों के जो सेकेंड पेपर में ये काम आता है। हालांकि ईवीएस में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। और दूसरी बात, आपकी पेट यूपीएससी जो है, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है आपका, ये आपका उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास जो है यूपी पेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो क्लास रहेगी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आप सभी बने रहिए, 40 क्वेश्चन होंगे, हम इसे 10 से 15 मिनट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कुल कितने कोशिका होती है? एक कोशिका होती है। दूसरा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपके भगत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जयपुर जो सिटी है उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान की क्या है? राजधानी भी है, ठीक है, ये राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद और हाँ इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये गिराया गया था 1945 ईस्वी में, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था मेहरुन्निसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक की किसी का गुलाम नहीं हुआ है? तो आज तक किसी का गुलाम नेपाल नहीं हुआ है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं सिख धर्म के लोग। बैसाखी कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपके अहमदाबाद को। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो होगा आपका कानपुर। लेकिन जब भारत का पूछता है तो आपका हो जाएगा गुजरात का अहमदाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पूरी भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पूरी भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये मनाया था कोलकाता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, उन्होंने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो उनका सहयोग करने वाले कौन व्यक्ति थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के और दो के का अर्थ क्या होता है? तो एक 1K और 2K का अर्थ होता है 1000, 1K का 2K का होता है 2000। अगला क्वेश्चन है, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया, वो कौन सा बैंक है? तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का शहर है नासिक। अगला क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जार्ज संबंधित हैं? ये है एथलीट, सर्न एथलीट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रंगून में, ये 1857 की क्रांति में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर किस सूफी संत से जो है संबंधित है? तो यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम फूल से प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने, अर्धनग्न फकीर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? ताले बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये हैं फरुखद्दीन, और जो है फरुखद्दीन अली अहमद, ये असम के वो व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित जो है प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शहजादी ज़ाहरा बेगम ने, ठीक है, शहजादी ज़ाहरा बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है, लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी। इसके बाद आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है स्वामी दयानंद जो है सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो ये हैं जे.जे. थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो ये है PSLV। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे जो है बड़ा रेलवे कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये है मालीगांव। ऋतुओं के होने के का कारण होता है? ऋतुओं के होने का कारण होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का परिक्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ की डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो ये है ग्रेट ब्रिटेन देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो लकड़ी नहीं होती है, कॉमन सी बात है, केला, केले के पेड़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा जो है पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर आपका सिक्किम में है। अगर पूछे भारत के हिमालय का सबसे ऊंचा जो पर्वत है तो वो आप टिक करेंगे सिक्किम पे, लेकिन अगर पूछे सिर्फ और सिर्फ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप K2 माउंटेन लगाएंगे, ना कि सिक्किम। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। चलिए, तो ये थे आपके 40 प्रश्न आज के। आई होप आज के जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।